हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम द हिंदू वोकेबलरी करने वाले हैं 1 मई 2023 की। तो चलते हैं आज के हमारे पहले वर्ड पर, और प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो चलते हैं हमारे आज के पहले वर्ड पर। तो हमारा पहला वर्ड है सेटलमेंट। सेटलमेंट का अर्थ होता है गतिरोध की स्थिति या अवरोध की स्थिति। इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो जाएगा। सिनोनिम्स की देख लेते हैं एक बार, डेडलॉक, इम्पीज और स्टैंड स्टिल और स्टैंड ऑफ। इसका एंटोनिम्स हो जाएंगे प्रोग्रेस, एडवांस, हेडवे और एडवांसमेंट। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, और नेक्स्ट वर्ड है हमारा लिंग रिंग। लिंग रिंग का अर्थ होता है बेकार में इधर उधर मंडराना या सुस्त भी इसको बोल सकते हैं, यानी इसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब हो जाएगा। इसके सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे परसिस्टेंट, प्रोटेक्ट और प्रोलॉन्ग्ड और रिमेनिंग। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे स्नीपी, क्विक, हैस्टी और डेसिंग। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड पर चलते हैं, और हमारा नेक्स्ट वर्ड है काउंटर पार्ट। काउंटर पार्ट का अर्थ होता है वह व्यक्ति जो अन्य संगठन देश में समान पद पर है, यानी समकालीन भी इसको बोल सकते हैं। इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो जाएगा ए पर्सन और थिंग्स दैट हैज़ अ सिमिलर पोजिशन और फंक्शन इन अ डिफरेंट कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इक्विवेलेंट, पैरेलल और मैच और मैट और पीर। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं, एंटोनिम्स होंगे इसके ओरिजिनल, डिफरेंट, एलाई और एलोन, यानी अकेला। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। इसके एग्जांपल होगा द इंडियन पीएम एंड हिज पाकिस्तानी काउंटर पार्ट, यानी जो इंडियन पीएम है और जो पाकिस्तानी पीएम है वह अभी समकालीन है, यानी अभी तो नवाज शरीफ वहाँ के पीएम और पीएम प्रधानमंत्री मोदी जी इंडिया के, ये दोनों भी वर्तमान के पीएम हैं, यानी समकालीन है। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, और नेक्स्ट वर्ड हमारा रिट्रीट। रिट्रीट का अर्थ होता है दोहराना या बार बार कहना। इसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब हो जाएगा। इफ़ यू रिट्रीट समथिंग यू से इट अगेन यूजुअली इन ऑर्डर टू एम्फसाइज इट। इसके सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं, सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके रिफर्म्ड, रिपीटेड और रिस्टेड और रिनाउंड। इसके एंटोनिम्स होंगे नो मोर, नेवर एवर, इन नो रिस्पेक्ट, यानी ही रिट्रेड हीज अपोजिशन टू द क्रिएशन ऑफ अ सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, और नेक्स्ट वर्ड हमारा अर्गेंसी। अर्गेंसी का अर्थ होता है आवश्यक या महत्वपूर्ण। इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो जाएगा द स्टेट ऑफ बीइंग अर्जेंट एंड अर्नेस्ट एंड इंस्टेंट नेसेसिटी। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इमरजेंसी, नीड, स्ट्रेस और इम्प्योरिटी और नेसेसिटी। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं, अनइम्पोर्टेंट, हेजिटेंसी और इनडिसीजन और स्लोनेस। नेक्स्ट आप चलते हैं, और हमारा नेक्स्ट वर्ड है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का अर्थ होता है असहमत होना या मतभेद या भिन्नता। इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो जाएगा अ डाइवर्जेंस इज अ डिफरेंस बिटवीन टू और मोर थिंग्स, एटीट्यूड्स और ओपिनियंस। इसका सिनोनिम्स होगा इसका डिफरेंस, डिवीजन, वेरियंस और डिस्क्रिपेंसी। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं, एग्रीमेंट,
हारमनी, एकॉर्ड और कॉन्वर्जेंस इसके एंट्रम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं और नेक्स्ट वर्ड हमारा डिसइंगेजमेंट। डिसइंगेजमेंट का अर्थ होता है छुटकारा मिलना या रिहाई। डिसइंगेजमेंट इज अ प्रोसेस बाय विच पीपल ग्रेजुअली स्टॉप बीइंग इन्वॉल्व्ड इन अ कॉन्फ्लिक्ट एक्टिविटी और ऑर्गेनाइजेशन। इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो जाएगा। इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं, डिटैचमेंट, सेपरेशन और डिसकंसिनेशन और डिसोसिएशन इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं, जक्स्टापोजिशन, कॉन्विटी, इंगेजमेंट और कंजक्शन। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं और नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का अर्थ होता है आपसी मतभेद होना। इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो जाएगा। डिसएग्रीमेंट बिटवीन पीपल और ग्रुप्स इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट, एंटागोनिज्म और डिसेशन और स्ट्रीफ। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे हार्मनी, एग्रीमेंट, पीस, एकॉर्ड और एलियंस। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं और नेक्स्ट वर्ड है हमारा टॉर्टस। टॉर्टस का अर्थ होता है जटिल, उलझा हुआ होना अथवा टेडी मेडी घुमावदार सड़कें। अ टॉर्टस प्रोसेस और पीस ऑफ राइटिंग इज वेरी लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड। इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो जाएगा। इसके सिनोनिम्स की बात कर लीजिए, सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके वाइंडिंग, ट्विस्टिंग, मैंडरिंग और कॉन्वर्टेड। एंटोनिम्स होंगे इसके डायरेक्ट, स्ट्रेट, इजी और फ्रैंक। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, नेक्स्ट वर्ड हमारा स्टार्क। स्टार्क का अर्थ होता है कड़ा या कठोर या सख्त। इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो जाएगा। स्टार्क चॉइस और स्टेटमेंट्स आर हार्श एंड अनप्लीजेंट। इसका पार्ट ऑफ स्पीच बेयर, सर्वर, ब्लीक और हार्श इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं, एंटोनिम्स होंगे इसके फील्ड, लग्जरिएंट, अडोरेंड और बम्बास्टिक। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट का अर्थ होता है सेना की तैनाती करना। इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो जाएगा। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्सेस इन प्रिपरेशन और फॉर बैटल और वर्क। इसका सिनोनिम्स हो जाएंगे, सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं एक बार। सिनोनिम्स होंगे इसके प्लेसमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, मोबिलाइजेशन और पोजिशनिंग। एंटोनिम्स होंगे इसके एलोननेस, डिटैचमेंट, डिस्चार्ज और डिसकनेक्शन। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं और नेक्स्ट वर्ड हमारा प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का अर्थ होता है समीपता या निकटता। प्रॉक्सिमिटी टू अ पैलेस और पर्सन इज नियरनेस टू दैट प्लेस और पर्सन। इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो जाएगा। सिनोनिम्स होंगे इसके विसिनिटी, नियरनेस, एडजेंसी, नाइबरहुड। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स होंगे इसके डिस्टेंस, डिटैचमेंट, रिमोटनेस, एलाइनेशन और लेंथ। इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं और नेक्स्ट वर्ड हमारा रिग्लेट। रिग्लेट का अर्थ होता है बाहर निकालना, निकाल देना या निर्वाचित करना। पुट अप इनटू अ लोअर लेवल पोजीशन। इसका पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब हो जाएगा। इसके सिनोनिम्स की बात करें, सिनोनिम्स होंगे इसके डिमोट, बैनिश, कॉन्साइन, ब्रेक और डिपोर्ट, एग्जाइल। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे डिमोट,
पेनिस, कॉन्साइन, ब्रेक, डिपॉर्ट और एक्साइल, इसके सिम्स हो जाएंगे। एंट्रम्स होंगे इसके प्रमोट, एलिवेट, अपग्रेड और एडवांस, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। और नेक्स्ट वर्ड हमारा रिकरेंस। रिकरेंस का अर्थ होता है दोबारा आना या पुनरागमन या दोहराना, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। इफ़ देयर इज अ रिकरेंस ऑफ समथिंग इट हैपन अगेन, इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें, सिनोनिम्स होंगे इसके रिपीटेशन, रिटर्न, रिपीट और रिवर्जन, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स होंगे इसके डिसअपीयरेंस, लॉस, सीक्वेंस और कैसिएशन, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा शेयरिंग। शेयरिंग का अर्थ होता है अत्यंत कठोर, प्रचंड या बहुत तेज, इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो जाएगा। शेयरिंग इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट समथिंग सच एज पेन और हीट इज वेरी इंटेंस, इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके बर्निंग, ब्लिस्टरिंग, फ्रीजी, सीजलिंग और बेजलिंग, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं, कोल्ड, फ्रीजिंग, फ्रीज्ड और चेली। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा ग्रीवेंस। ग्रीवेंस का अर्थ होता है शिकायत या गिला, इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो जाएगा। इफ़ यू हैव अ ग्रीवेंस अबाउट समथिंग दैट हैज़ हैपन्ड और बीन डन, यू बिलीव दैट इट वॉज अनफेयर, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं, कॉम्प्लेंट, ग्रज, ऑब्जेक्शन और बीफ। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके कॉम्प्लीमेंट, प्रेज, एक्नोलेज और पीस। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। और नेक्स्ट वर्ड हमारा सिर। श्री का अर्थ होता है किसी वस्तु की मात्रा या इकाई पर बल देने के लिए प्रयुक्त शब्द, यूज टू एम्फसाइज द साइज, डिग्री और अमाउंट ऑफ समथिंग, इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात कर लेते हैं, सिनोनिम्स होंगे इसके प्योर, अटर, एब्सोल्यूट और डाउनराइट और कंप्लीट। एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं, थिक, इनकम्प्लीट, मॉडरेट और ग्रेजुअल। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा इनकॉन्क्लूसिव। इनकॉन्क्लूसिव का अर्थ होता है अनिर्णायक या अधूरा। इफ़ रिसर्च और एविडेंस इज इनकॉन्क्लूसिव, इट हैज़ नॉट प्रूव एनीथिंग, इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात कर लीजिए, सिनोनिम्स होंगे इसके इंडिसिसिव, एम्बिगियस, इनडेफिनेट, अनसर्टेन और वेग, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके कॉन्क्लूसिव, सर्टेन, डिसिव और डेफिनेट और फाइनल, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा इंसाइनुएशन। इंसाइनुएशन का अर्थ होता है ताना या अपेक्षा, कटाक्ष या इशारा भी इसको बोल सकते हैं। एन अनप्लीजेंट हिंट और सजेशन ऑफ समथिंग बैड, इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो जाएगा। इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं, हिंट, इंटीमेशन, ओवरटर्न और इन एंडो और इनग्रेशिएशन। एंटोनिम्स की बात कर लेते हैं, एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके एडुलेशन, कॉमेंडेशन और एक्लेम और कॉम्प्लीमेंट, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा सोर्डिड। सोर्डिड का अर्थ होता है घिनौना या अनैतिक या भ्रष्ट, इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो जाएगा। इफ़ यू डिस्क्राइब अ पैलेस एज सोर्डिड, यू मीन दैट इट इज़ डर्टी, अनप्लीजेंट और
डेस्परिंग सॉरी डिप्रेसिंग सिनेम्स की बात कर लें, सिनेम्स हो जाएंगे इसके डर्टी स्क्वेलिड बेस फुल और सेबी। एंट्रम्स हो जाएंगे इसके रॉयल क्लीन प्राउड और रेप्यूटेबल, इसके एंट्रम्स हो जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और नेक्स्ट वर्ड हमारा क्वेस्ट, क्वेस्ट का अर्थ होता है खोज तलाश, इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन हो जाएगा। खोज या तलाश, ए क्वेस्ट इज अलोन एंड डिफिकल्ट सर्च फॉर समथिंग। इसका सिनेम्स की बात करते हैं सर्च हंट सीक मिशन और एक्सप्लोरेशन। एंट्रेंस हो जाएंगे इसके रिट्रेट एस्केप बॉल्ट और कवर, इसके एंट्रेंस हो जाएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।